नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है। आज बात करेंगे द्वितीय देवी यानी कि दूसरी शक्ति देवी ब्रह्मचारिणी के विषय में। कैसे देवी ब्रह्मचारिणी आपकी हर जो है मनोकामना को पूर्ण करेंगी, कैसे उनका महा आशीर्वाद आपको मिलेगा, और हमने कल से एक शुरुआत की है रात्रि जागरण के महा उपाय की। आपकी एक विशेष समस्या का समापन उस दौरान जरूर होगा। आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और आज सफलता का अचूक महा उपाय लिए बिना आप बिल्कुल ना हिलिएगा। जुड़े रहिएगा ज्योतिष गुरु से, क्योंकि उसको अपनाने के बाद आज के दिन आपको विशेष लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। बताएंगे आपको दैनिक राशिफल, कौन सा रंग आपको अपनाना है, कौन सा रंग नहीं अपनाना, यानी कि हर तरीके से आज आप पर देवी की कृपा होने वाली है। तो जुड़े रहिए ज्योतिष गुरु से। शुरुआत करते हैं हर दिन की भांति दिव्य महामंत्र से। आज का दिव्य महामंत्र आप नोट करें, ह्रीं श्री अंबिकाय नमः। इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए, ह्रीं श्री अंबिकाय नमः। यह मंत्र आज के दिन 108 बार जाप करने से आपके पति या पत्नी दोनों में से किसी का एक का स्वास्थ्य खराब हो तो उनका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, दाम्पत्य जीवन मधुर हो सकता है, और परिवार में यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो आप उस व्यक्ति से भी इस मंत्र का जाप जरूर कराइएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 27 सितंबर 2022 दिन मंगलवार, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि, नक्षत्र होगा चित्रा, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय नोट करिए, दोपहर 3 बजे से 4:30 के मध्य है। इस दौरान कोई नया कार्य शुरू बिल्कुल नहीं करना है। दिशाशूल होगी आज उत्तर दिशा। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं देवी ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की महिमा क्या है, क्या उनकी महत्ता है। देखिए, मां दुर्गा का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी है। इनकी पूजा से भक्त को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप, वैराग्य और सदाचार और आपके अंदर संयम की भावना जागृत होती है। यानी कि आप जो काम को, छोटे छोटे कामों को लेकर जो जल्दबाजी करते हैं और आपका नुकसान हो जाता है, इनकी पूजा अर्चना से वो नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। आप में आ जाएंगे पेशेंस यानी कि संयम। मां ब्रह्मचारिणी का रूप जो है वो तपस्वी का रूप है, और ब्रह्मा का अर्थ होता है तप, तथा चारणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। जो तप का आचरण करे तो ऐसे ही आपको भी हमेशा संयमी रहना है। व्रत पूजा में आने वाली किसी भी बाधा को समाप्त करने के लिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से मन को शांत और शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है, यानी कि तन भी स्वस्थ हो गया, मन भी स्वस्थ हो गया। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में 8 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को भोजन जरूर कराइएगा। उन्हें कुछ ना कुछ उनकी पसंद का उपहार, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो टॉफी चॉकलेट्स हो, कुछ ना कुछ उन्हें उपहार जरूर दीजिएगा। ऐसा करने से आपको सर्वत्र सिद्धि, विजय की प्राप्ति अवश्य होगी। अब आपको बताते हैं मां ब्रह्मचारिणी की विशेष पूजा अर्चना, जो आपके खोए हुए मान सम्मान को बहुत आसानी से दिला सकती है। कैसे मिलेगा आपको आपका खोया हुआ मान सम्मान? 1 साबुत बेलपत्र लें, उस पर केसर से आप ओम लिखेंगे और सफेद आसन पर बैठकर ओम ब्रह्मचारिणी दिव्यै नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। अब यह बेलपत्र अपने घर के बच्चों के हाथ से उल्टा करा के आप शिवलिंग पर अर्पित कराएं। ऐसा करने से बच्चों को सद्बुद्धि भी आएगी, कुंडली का पंचम भाव और पंचमेश हर तरीके से उत्तम परिणाम देने लगेगा, उत्तम फल देने लगेगा। मां ब्रह्मचारिणी का यह पूजन आपके संयम और तप को बढ़ाकर आपको मान सम्मान की प्राप्ति जरूर कराएगा। चाहे आपका मान सम्मान पहले चला गया हो, देवी ब्रह्मचारिणी की विशेष कृपा से आप हो जाएंगे हर जगह सम्मानित। तो इस उपाय को आप जरूर करिएगा।
मित्रों आपके प्रश्नों का जवाब भी देंगे। आपके मन में कोई प्रश्न है, ज्योतिष गुरु से अपनी समस्या साझा जरूर करिएगा। आइए अब जानते हैं मेष वृष मिथुन का हाल। मेष राशि, जीवन में परिवर्तन से लाभ होगा, नौकरी की समस्या हल होगी, देवी दुर्गा को पेठा अर्पित करें, शुभ रंग होगा पीला। वृषभ राशि, जीवनचर्या में सुधार करेंगे, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का आज सहयोग मिलेगा, देवी को शहद अर्पित करें, शुभ रंग होगा हरा। मिथुन राशि की बात करते हैं, आर्थिक लाभ के योग दिख रहे हैं, धैर्य और शांति बनाए रखें, देवी को फल अर्पित करें, शुभ रंग होगा गेरुआ। अब आपको बताते हैं कैसे करनी है मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना, ताकि आपके घर से तमाम नकारात्मक ऊर्जा निकल जाए और हर तरीके से खुशहाली का माहौल बनने लगे। देखिए मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर यानी कि पंचामृत से आप स्नान कराइए, फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए, उन्हें रोली मोली चावल धूप दीप फल फूल सब कुछ अर्पित करिएगा, जितनी भी पूजा की सामग्री हो। मां ब्रह्मचारिणी को कुमकुम और कमल का फूल दाएं हाथ से यानी कि राइट हैंड से आपको अर्पित करना है। किसी आसन पर बैठ जाएं, दाएं हाथ में पान और सुपारी लेकर मां को अर्पित करें, देसी घी का एक दिया जला लीजिएगा, मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान करके ब्रह्मचारिणी स्तोत्र और ब्रह्मचारिणी कवच का आपको पाठ करना है। ऐसा करने से पारिवारिक रोग कलह कलेश मानसिक ताप संताप हर तरीके से खत्म हो जाएंगे और आपके घर में सुख संपन्नता का जो है माहौल या फिर वहां का वातावरण होने लगेगा। मित्रों अब हम आपके साथ साझा करते हैं रात्रि जागरण का महा उपाय, कैसे करना है ताकि ये सारे दुख परेशानियां खत्म हो जाएं, आपको मिल जाए आपका रुका हुआ धन, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आज करिए रात्रि जागरण का महा उपाय। 9 साबुत फूलदार आपको लौंग लेनी है और उन लौंग पर आप सिंदूर लगाइएगा, तांबे की प्लेट में रखकर यह लौंग देवी ब्रह्मचारिणी को आप अर्पित करें, उनके सामने रखें। अब देवी ब्रह्मचारिणी के बीज मंत्र ह्रीं श्री अंबिकाय नमः, इस मंत्र को आप नोट करें, ह्रीं श्री अंबिकाय नमः मंत्र का 108 बार रात्रि में जाप करिएगा। अब यह लौंग मिट्टी के दिए में रखकर देसी कपूर के साथ जला दीजिए। अब इस विभूति को जब जलने के बाद जब यह सामग्री इकट्ठी हो जाएगी, इसका आप तिलक तैयार करिएगा और घर के सभी सदस्य इसको जरूर लगाइएगा। ऐसा करने से आपके सर्व कार्य सिद्ध होंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी और देवी मां की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। मित्रों आज सफलता का अचूक महा उपाय बहुत अद्भुत और खास होने वाला है। यदि आपने अपने किसी मित्र सखा या बंधु को उसके साथ शेयर किया तो आप देखिएगा फायदा आपको डबल होगा। आइए अब जानते हैं कर्क सिंह कन्या का हाल। कर्क राशि, करियर को लेकर तनाव जो है वो खत्म होगा, सही योजनाएं बनाकर आप काम करिएगा, देवी दुर्गा को सफेद मिठाई अर्पित करिए, शुभ रंग है आज लाल। सिंह राशि, नई नौकरी मिलने की संभावनाएं प्रबल हैं, लाभदायक यात्रा के योग बन रहे हैं, छोटी कन्या को फल जरूर दें, शुभ रंग होगा कत्थई। बात करते हैं कन्या राशि की, जीवन में प्रेम और रिश्ते बेहतर होंगे, स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, देवी दुर्गा को गुलाब के फूल अर्पित करिए, शुभ रंग है नीला। मित्रों अब समय हो चला आपके प्रश्नों के जवाब देने का। पहली दर्शक जुड़ी हमारे साथ कमला बिष्ट, बहुत स्वागत है कमला जी आपका, आप दिल्ली से हैं, आप अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं कि उसका करियर कैसा होगा, क्या उसे करना है। देखिए कमला जी, आपका बेटा कन्या लग्न और धनु राशि का है, वर्तमान समय में वक्री शनि की उतरती हुई 7.5 है, क्या करना है। 2023 तक थोड़ा सा बदलाव की स्थितियां बनेंगी जो आपके सुपुत्र के लिए बेहतर होंगी, कानून और वित्त से संबंधित कार्यों में उसको फायदा अवश्य मिलेगा। 6.25 रत्ती तक का एक शुद्ध पन्ना रत्न दाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली में उसे धारण कराएं
और गौ माता की सेवा उससे जरूर कराइएगा। अपने घर की उत्तर दिशा में एक बहते हुए पानी का चित्र आपको लगाना है। तो कमला जी, आपके पुत्र के लिए शुभकामना। अब दूसरे दर्शक जुड़े हमारे साथ, विशाल गुरुग्राम से हैं। ये पूछ रहे हैं कि नौकरी कब तक लगेगी और विवाह का योग कब तक है। विशाल, बहुत स्वागत है आपका। आप मीन लग्न और वृषभ राशि के हैं। वर्तमान समय में कुंडली में गोचर के राहु की स्थिति ठीक ना होने के कारण नौकरी मिलने में थोड़ा मुश्किल होगी। मन में निराशा मत लाइए। नौकरी प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के 108 नामों का आप जाप करिए, देवी मां की पूजा अर्चना करिए। अक्टूबर 2023 के बाद विवाह के योग बनेंगे। तब तक आपको क्या करना है, देवी दुर्गा के मंदिर में शहद आप अर्पित करिएगा, प्रसाद के रूप में खाइएगा और हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ भी प्रतिदिन अवश्य करिएगा। मित्रों, आपके मन में भी यदि कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न हमारे साथ साझा करिए। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9643333444। आइए अब जानते हैं तुला वृश्चिक धनु का हाल। तुला राशि, पुरानी समस्या हल होगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। देवी मंदिर में थोड़ा सा दही अर्पित करें, शुभ रंग होगा सुनहरी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। करियर की समस्याएं थोड़ा बढ़ सकती है, मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। देवी लक्ष्मी को सौंफ अर्पित करें, शुभ रंग होगा पीला। धनुराशि, वैवाहिक जीवन में समस्याओं के योग दिख रहे हैं। गलत निर्णय आपका काम बिगाड़ सकते हैं। पीली मिठाई छोटी छोटी कन्याओं को दीजिएगा, फायदा होगा। शुभ रंग है आज के लिए आसमानी। मित्रों, अब समय हो चला है उन लोगों की बात करने का जिनका आज जन्मदिन है। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। मित्रों, यह वर्ष आपके स्वास्थ्य, नौकरी और व्यापार के लिए सर्वोत्तम साबित होगा, लेकिन साल की शुरुआत में ही आप अपने स्वास्थ्य की जांच किसी अच्छे चिकित्सक से करवा लीजिएगा। किसी भी तरीके से कोई प्रॉपर्टी या म्यूचुअल फंड में आपको निवेश जो करना है वो बहुत सोच समझ के करना है, कोई गलती ना कर लीजिए। धन, स्वास्थ्य और कैरियर की समस्याओं को खत्म करने के लिए प्रतिदिन हनुमानाष्टक का पाठ करें और पितरों के नाम से हर अमावस्या पर जरूरतमंद लोगों को दान जरूर करिए। मित्रों, सफलता का अचूक महा उपाय लिए बिना बिल्कुल ना जाइएगा कहीं, लेकिन पहले जानते हैं मकर कुंभ मीन का हाल। मकर राशि, विवाह की समस्या हल होगी, आर्थिक पक्ष आपका उत्तम होगा। देवी दुर्गा को लाल चुनरी अर्पित करिए, शुभ रंग है जामुनी। कुंभ राशि, आर्थिक पक्ष अच्छा बना रहेगा, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। लक्ष्मी जी को थोड़ा सा कुमकुम अर्पित करिए, शुभ रंग है गुलाबी। मीन राशि, नौकरी में समस्याएं बढ़ सकती हैं, ध्यान रखिएगा। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। देवी दुर्गा को मीठा पान अर्पित करिए, शुभ रंग होगा पीला। तो मित्रों, हम बार बार कह रहे हैं कि आज का सफलता का महा अचूक उपाय आपके लिए अद्भुत साबित होने जा रहा है। क्या है वो उपाय, आपके साथ साझा करते हैं। एक सफेद कागज लेना है आपको और उस पर लाल स्याही से 108 बार राम राम लिखना है और मध्य दोपहर में या शाम तक आप हनुमान जी को अर्पित करिए, देखिए कितना आपको फायदा होता है। अब बात करते हैं अपनी माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। आज माताओं बहनों की सेहत में बताने वाले हैं, यदि उनकी आंखों की थोड़ी सी थकान की समस्या बनी हुई है क्या करना है।